नमस्कार, मैं सीमा घिया पुणे से हूँ। मैंने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से ड्राइंग एंड पेंटिंग में ग्रेजुएशन किया है। बचपन से ही मैंने अपने घर में पेंटिंग बनते हुए देखी है, क्योंकि मेरी बहन ड्राइंग एंड पेंटिंग में गोल्ड मेडलिस्ट है, इसलिए पेंटिंग से मेरा कुछ ज़्यादा ही जुड़ाव रहा है। मैं 2001 से लगभग रेगुलर पेंटिंग कर रही हूँ और 2003 से मैंने वाटर कलर करना शुरू किया है। वाटर कलर पेंटिंग मैंने पहले शुरुआत लैंडस्केप से करी। लैंडस्केप में मैंने अपने आसपास के दृश्यों को, दोपहर सुबह शाम के बदलते रंगों को, अलग अलग मौसमों को और उनका पेंटिंग में अभिव्यक्ति आदि को का अच्छा अभ्यास किया है। वाटर कलर करना मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि इसके कलर, उसके रंगों में एक ब्राइटनेस है, एक सॉफ्टनेस है, एक तरलता है, जो कि मुझे अपने विचारों को पेपर पर आंकने में बहुत सहायता करती हैं। इसके अलावा मैं स्क्रिबलिंग पेंटिंग भी करती हूँ। स्क्रिबलिंग पेंटिंग में नेप एंड इंक के सहायता से क्रिस क्रॉस लाइनों के द्वारा पेंटिंग की जाती है। इसमें बहुत पेशेंस के साथ में काम होता है और धीरे धीरे डेप्थ निकल के आती है, जो कि मुझे बहुत प्रेरणादायक लगती है पेंटिंग बनाने के लिए। रोज़मर्रा की जिंदगी, आम आदमी उसके छोटे छोटे क्षणों में उसके चेहरों के भाव, जैसे उसके हंसी, उसकी खुशी, उसके मुंह पे एक संतोष, शांति, मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। और इसीलिए शायद ह्यूमन फिगर मेरे विचारों को, मेरी भावनाओं को प्रदर्शित करने में बहुत सहायक रहे हैं। और आप भी देखेंगे कि मेरी पेंटिंग का मुख्य सब्जेक्ट के रूप में ह्यूमन फिगर, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति के का एनवायरनमेंट, यहाँ के रंग आदि ही ज़्यादा दिखाई देंगे। पेंटिंग अगर मैं कहूँ तो मेरे लिए मेडिटेशन है। पेंटिंग मैंने हॉबी से शुरू की थी, लेकिन अब तो मेरे प्रोफेशन बन गया है। मुझे पेंटिंग में बहुत खुशी होती है और इसी खुशी को मैं रंगों के द्वारा कैनवास पर अभिव्यक्त करती हूँ और चाहती हूँ कि ये दूर दूर तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, लोग इसको देखें। और इसीलिए सिटी आर्ट फैक्ट्री से जुड़ी हूँ। सो थैंक यू सिटी आर्ट फैक्ट्री। थैंक यू शांतनु जी।